नॉक आउट करते हुए स्काउट स्प्रे करके अभी स्पार्क उधर पुश करेगा, पुश तो कर बनता है यहाँ पर। एंड यहाँ पे एंटिटी ब्रॉलर्स की फाइट हो चुकी है एंटिटी के साथ, एंड ब्रॉलर्स के आइकॉनिक ने नॉक करा था घातक को, एंड डार्क ने उनको फिनिश भी कर दिया। एंड टीम एक्स यहाँ पे फाइट लेने वाली है विद टीम हाइप, तो यहाँ पे रौनक जो है लेफ्ट साइड से पुश कर चुके हैं, एंड स्काउट यहाँ पे राइट जो रोटेशन है ओवेस का बहुत ही प्यारा नॉक, एंड इसी चीज का एडवांटेज आई थिंक टीम एक्स यहाँ पे जो है लेंगी। एंड यहाँ पे ओवेस पुश करते हुए स्काउट का भी पुश आ चुका है, परितोष भी यहाँ पे गाड़ी लेके आगे आ चुके हैं, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत में लग रही है टीम हाइप। यहाँ पर टीम स्पार्क जो है वो अलग अलग एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी लेकर जब ये घूमता है तो जो सामने वाले टीम होते हैं वो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। आई थिंक किशले को तो नो दैट वाज वन फ्रॉस्ट, एंड कीकी ने यहाँ पे वेजी को फिनिश ऑफ करा है। जोन से जाते हुए टीम एमवाईएम के वैम्पायर रेड्स नोवा और आई थिंक जो लास्ट मेंबर है उनके क्लोक आई थिंक अकेले बचे हैं। फ्रॉस्ट की बात करें तो टीम आरआईपी की तरफ काफी शॉट ले रहे हैं, एंड यहाँ पे किशले को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, एंड यहाँ पे बहुत ही प्यारा फिनिश देते हुए एंड टीम आरआईपी जो है यहाँ पे मेगा वैक्सी का शिकार बनती हुई, एंड यहाँ पे टीम एक्स के स्काउट ने यहाँ पे एमआईएम के क्लोक को फिनिश करके उनकी पूरी स्क्वाड खा ली, एंड ओवेस ने यहाँ पे और एक नॉक करा है। ब्रॉलर्स की फ्रॉस्ट की तरफ चले तो किशले को नॉक करा है, लेजेंड ने यहाँ पे लियो को नॉक करा है, स्नैक्स यहाँ पे एंटो को नॉक करके फिनिश भी कर चुके हैं, तो कितना सारा जो किल्स है हम लोग को नॉक देखने को एंड मिल रहा फिनिश है। देखने को मिल रहा है। सही बोला आपने, वे डाउन टू टॉप 10 टीम राइट नाउ, डायरेक्ट 15 से डायरेक्ट 10 पे आ चुका है एकदम बहुत ही जल्दी। आईएनडी एंड टीम नॉकआउट, उधर नॉकआउट से वीसीएस ने किकी को वहां पर नॉकआउट कर चुका है, नियो कर चुका है, एंड गाइस यहां पर मेगा एक्स थोड़ा डोमिनेट करते हुए टीम डिस्ट्रॉय के ऊपर, डिस्ट्रॉय से सिर्फ क्रेजी बचे, क्रेजी वहां पर डाउन हो सकता है, रैंडम स्प्रेमिक डाउन हो सकता है, अभी भी वो फाइट चल रहा है। क्रेजी वहां पर डैमेज नहीं कोशिश, लेकिन क्रेजी यहां पर डाउन हो चुका है। बहुत ही प्यारा जो गेम प्ले देखने को मिल रहा है हम लोग को टीम एमएक्स की तरफ से, एंड पैराडॉक्स को आई थिंक रिवाइव दे देंगे, आरआईपी के स्काई ने उनको नॉक करा है। अगर जोन की बात करी जाए तो और भी 16 सेकंड है, तो इनको जल्दी जल्दी रिवाइव देके हील करके जोन के अंदर जाना है, एंड यहाँ पे आरआईपी के लेजेंड टीम आईएनडी के दलजीत को नॉक करा है, क्रेटोस ने यहाँ पे लेजेंड को नॉक करा है, तो वीएसएस भी आप लोग आजकल हम लोग को बहुत ही ज्यादा यूज देखने देखने को को मिल मिल रहा है, रहा है। क्योंकि सही उनका जो बोला, सप्रेशर मिल रहा है। बहुत ही सही, ये वीएसएस अभी ट्रेंड पे चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा बंदे मैं देख रहा हूँ वीएसएस इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग रेंज पे अगर आप वीएसएस चला रहे हो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से गोली आ रहा है, कोई पता हाँ नहीं कर एंड सकते। ये चीज का टीम बहुत ही फायदा उठा रहे, क्योंकि आपका जो पोजीशन इसी के साथ वाइप हो चुकी है, टेम्पेस्ट ने दलजीत को फिनिश कर दिया है, स्वैग यहाँ पे डार्क को फिनिश करते हुए लेजेंड जो है नोवा को नॉक कर दिया, जो चीज के बारे में बोल रहा था आपको कि पीछे से उनके लिए तकलीफ ला सकती है, एंड वही चीज हुआ है। टीम एमएक्स भी अभी तक बची है, टीम आरआईपी बची है, एंड टीम ईटीजी बची है, तो क्या लगता है आपको कौन चिकन डिनर ले सकता है? इस पोजीशन में बोलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आरआईपी के पास इधर चारों के चारों बंदे बचे हैं, एंड मेगा एक्स से 3 बंदे बचे थे, उन उसमें से पैराडॉक्स भी नॉक है, अभी स्नैक्स भी नॉक है, तो आरआईपी का चांस इस पोजीशन में ज्यादा है। एंड यहाँ पर ब्रॉलर से आइकॉनिक अपनी टीम से लास्ट बंदा, वो यहाँ पर अगर टेम्पेस्ट को नॉकआउट कर देता है तो टीम आरआईपी के लिए मुश्किल हो सकता है। लेजेंड का बहुत ही प्यारा नेट, एंड यहाँ पर टेम्पेस्ट नॉकआउट हो सकता है, अगर गारिब ब्लस्ट होता है तो टेम्पेस्ट यहाँ पर बच गया, पीछे कवर में चला गया था, अभी टेम्पेस्ट फिर से कवर में आ जाएगा। टेम्पेस्ट ने उधर मेगा एक्स के पूरे स्क्वाड को एलिमिनेट कर चुका है, तो यहाँ पर वी आर डाउन टू द टॉप 2 स्क्वाड। आरआईपी टेम्पेस्ट उधर हिल बैठ थोड़ा हिल अप कर लेगा, एंड दे आर राइट नाउ 1v4 सिचुएशन फॉर ब्रॉलर्स, एंड ब्रॉलर्स यहाँ पर क्लियर आउट हो चुके हैं, एंड आरआईपी ऑफिशियल गॉट द चिकन डिनर डेफिनेटली, एंड यहाँ पे